भारत सरकार ने बार बार भारत की सीमा में घुसने वाली चीनी सैनिकों के राशन कार्ड बना दिए हैं। सरकार का कहना है कि कुछ चीनी सैनिक इतने वक्त से इंडिया आ रहे हैं कि कायदे से अब वो भारतीय नागरिक हो गए हैं। राशन कार्ड बनाने के बाद ये चीनी सैनिक सिक्किम या लद्दाख में कहीं भी राशन कार्ड दिखाकर सस्ती चीनी और गेहूं खरीद सकते हैं। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते एक चीन सैनिक को उसके बाप ने दही लेने भेजा था, लेकिन वो भी रास्ता भटककर इंडिया आ गया। अगले दिन चीनी सैटेलाइट ने उसकी खोजबीन की तो वो बनारस के घाट पर बैठा बीड़ी पी रहा था। देखिए, जितनी बार चीनी सैनिक बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया आ जाते हैं उतनी बार तो यूपी बिहार के लौंडे हीरो बनने मुंबई भी नहीं जाते। इंडिया से इनकी इसी मोहब्बत को देखते हुए हमने कईयों के मूल निवास प्रमाण पत्र और वोटर आईडी कार्ड भी बनवा दिए हैं, और कुछ तो अगले महीने लद्दाख से पंचायत चुनाव भी लड़ रहे हैं। इस बीच रात के अंधेरे में कल हजारों चीनी सैनिकों ने राजधानी बीजिंग पर कब्जा कर लिया और जगह जगह सड़क पर तंबू गाड़ दिए। वो तो बाद में जिनपिंग को फोन आया तो उनको पता चला कि वो लोग बीजिंग में हैं और उन्होंने गलती से अपने ही देश में कब्जा कर लिया। आपको बता दें कि चीनी सैनिकों को कब्जा करने की ऐसी आदत पड़ गई है कि वो कभी कभी रात में अपने ही बीवी को बिस्तर से गिराकर उसकी जगह पर कब्जा कर लेते हैं। खबर है कि खुद जिनपिंग ने पिछले हफ्ते अपने नौकर की छुट्टी पर जाने के बाद उसके सर्वेंट क्वार्टर पर कब्जा कर लिया था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का कहना है कि अमेरिका और चीन चाहे तो दोनों देशों के बीच सुलह करवा सकते हैं। इतना ही नहीं, इमरान खान ने दोनों देशों के राष्ट्रपतियों को पाकिस्तान लाने के लिए अपना एक प्राइवेट ऑटो रिक्शा भी भेजा है, जिसे प्रधानमंत्री बनने से पहले वो खुद चलाया करते थे। इधर इमरान खान की पेशकश सुनने के बाद ट्रंप व्हाइट हाउस की छत पर गए और एक चप्पल हवा में उछाल कर मारी, जो सीधे इमरान खान के पजामे से जा टकराई। इमरान खान ने बाद में चप्पल 1,000 रुपए में बेचकर अपने घर का बिजली का बिल भर दिया। इमरान की मांग है कि ट्रंप उन्हें दूसरी चप्पल भी उछाल कर मारे ताकि वो अपने दूध वाले का बिल भी दे पाए। विश्व इतिहास में पहली बार तमाम देश किसी एक बात को लेकर सहमत हो गए हैं। इस मामले में अमेरिका से लेकर चीन और इसराइल से लेकर फिलिस्तीन तक सब ने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं है। सभी देशों ने मिलकर तय किया है कि साल 2020 को जून महीने में ही खत्म कर दिया जाए। सभी देशों का एक साथ कहना था कि अब ये बसूड़ी और बर्दाश्त नहीं होती, जल्दी से ये कलेश खत्म करो। साथ ही यूनाइटेड नेशंस ने उन तमाम लोगों को दुनिया से माफी मांगने को कहा है जिन्होंने 2020 आते ही एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कहा था। इन लोगों को धमकी दी गई है कि अगर उन्होंने 2 दिन के अंदर अपने फेसबुक और व्हाट्सएप से हैप्पी न्यू ईयर विश करने वाले मैसेजेस डिलीट नहीं किए तो उन्हें कुर्सी से बांधकर हैप्पी न्यू ईयर फिल्म के बैक टू बैक शो दिखाए जाएंगे, और फिर भी जिंदा बच गए तो मिसेज सीरियल किलर दिखाई जाएगी, जिसके बाद उनका शरीर और आत्मा दोनों मर जाएंगे।